हेलो विद्यार्थी जी, आप कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और गणित का क्वेश्चन आप अच्छी तरीका से बनाते होंगे। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा मित्र, हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.3 पढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज क्या पढ़ रहे हैं जी? 5.3। इस चैप्टर में हम लोग एपी के सम के बारे में पढ़ रहे हैं, योग के बारे में। प्रथम एन पदों का योग क्या पढ़ रहे हैं मित्र? प्रथम एन पदों का योग, फर्स्ट सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। तो जरा ध्यान दीजिएगा, तो इसमें हम फॉर्मूला बताए हैं, याद भी थोड़ा सा कर लीजिए। एसएन का क्या बताए हैं? एसएन का तो एन वाई टू और 2a प्लस एन माइनस वन और इंटू डी। जरा ध्यान दीजिएगा मित्र, टकटकी लगा के देखिए, एक बार आप भी बोल लीजिए मेरे साथ साथ में। एस एन का मतलब n पदों का सम। तो एन वाई टू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एक फॉर्मूला देखिए, हम और आपको बताए थे sn का, एन वाई टू और यहाँ a प्लस an। an को कहीं कहीं l भी बोले थे, l भी बोले थे। sn बराबर एन वाई टू ए प्लस एल। तो ये देखिए, तीनों में से कोई भी फॉर्मूला याद रखिए, मतलब सब फॉर्मूला याद रखिए, तो ज़्यादा आपको क्या रहेगा, बेटर रहेगा और अच्छा रहेगा। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर सेकेंड करेंगे। कॉपी कलम निकाल कर रेडी हो जाइए और साथ में आपको क्या करना है मित्र, लिखते भी चलना है। तो हम ये मिटा दें, अभी रहने दीजिए, उसके बाद मिटाएंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर दूसरा में जो बोल रहा है कि ये देखिए एपी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर दूसरा में ये जो श्रेणी है, श्रेणी एपी में, इसका योग निकालना है। क्या निकालना है? योग निकालना है। तो योग के लिए तो देखिए ये फॉर्मूला है मित्र, तो हमको n चाहिए, पदों की संख्या। n मतलब पदों की संख्या। a प्रथम पद, a मतलब प्रथम पद होता है। देखिए n चाहिए, तो n तो पदों की संख्या हो गया, नंबर ऑफ टर्म्स। और d तो आप जानते हैं सर्वांतर, कॉमन डिफरेंस है। d क्या है? सर्वांतर, कॉमन डिफरेंस है। तो आगे बढ़ते हैं मित्र, सबसे पहले इसमें जरा देखिएगा, इसमें हम लोग ये सब निकालने का कोशिश करेंगे, n, a और d। तो हम लोग देखेंगे, देखिए सबसे पहले प्रथम पद आपको इसमें क्या नजर आया? a आ रहा है नजर, प्रथम पद क्या है? a। तो जब सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, क्या स्टार्ट करेंगे जी? सॉल्यूशन। जब सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे मित्र, तो जरा ध्यान दीजिएगा आप यहाँ पे, तो प्रथम पद फर्स्ट टर्म है जो मेरा क्या है, a, 7। तो यहाँ देखिएगा फर्स्ट टर्म a प्रथम पद, गिवेन लिखेंगे दिया है, गिवेन आप लिख सकते हैं दिया है। तो यहाँ लिख देते हैं सबसे पहले हम लोग क्या मित्र, गिवेन मतलब दिया है। तो a मतलब आप जानते हैं कि प्रथम पद होता है, a मतलब क्या होता है, प्रथम पद होता है। तो a है जो कितना है, 7 है, देखिए। और d निकालेंगे, d क्या निकालेंगे मित्र, d निकालेंगे तो आप जानते हैं d अगला पद माइनस क्या होता है, पिछला पद होता है। तो d अगला पद माइनस पिछला पद, तो ये देखिए अगला है और ये क्या है, पिछला है, क्लियर है? ये अगला है और ये क्या है मित्र, पिछला है। तो अगला माइनस पिछला, तो ये जब अच्छा से इसे सोल्व कीजिए तो समझ में आएगा। इसे पूर्णांक में पहले तोड़ लीजिए, तो 10 दुना 20, क्लियर है? 10 दुना क्या होता है, 20, और 20 और एक 21, तो यहाँ हो गया 21 बटा कितना, 2। जरा ध्यान दीजिएगा, 10 दुना 20 और एक 21 बटा 2, पहले हम पूर्णांक में तोड़ लिए मित्र। उसके बाद ये अगला पद और माइनस पिछला पद, तो पीछे क्या है, 7 है, तो ये माइनस क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब इसे मित्र हम लोग हल करेंगे, हल एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे जी, एलसीएम लेंगे। तो जरा ध्यान दीजिएगा, एलसीएम जब लेंगे तो ये 7 दूनी 14, यहाँ देखिए 21 और माइनस, 21 और क्या मित्र, माइनस 7 दूनी 14, तो ये 7 दूनी क्या हो गया, 14 हो गया। उसके बाद 21 में से 14 आप घटा दीजिएगा तो 7 बचेगा, क्या बचेगा, 7, 21 में से 14 जाएगा तो ये 7/2 हो गया, क्लियर है? हम इस फॉर्मूला को ही यूज करेंगे। तो पहले आप देख लीजिए यहाँ पे, a निकल गया मेरा 7, ये देखिए प्रथम पद, d निकाल लिए अगला पद माइनस पिछला पद के जरिए 7/2, देख लीजिए आप,
आगे अब एन हमें चाहिए, क्या चाहिए एन, तो एन तो हमें लगता है इसमें नहीं है, एन हमें चाहिए, क्या चाहिए एन। लेकिन आप एक बात देखिए, अंतिम पद इसका दिया हुआ है, अंतिम पद देखिए कितना है 84 है, तो उसके जरिए हम क्या निकालेंगे एन निकालेंगे। तो यहां देखिएगा हम लिख रहे हैं, चूंकि एन बराबर अंतिम पद कितना है मित्र 84 है, तो ये हम लिख दिए कि आपका 84। ध्यान दीजिए एन 84, एन क्या है 84, तो एन ए प्लस एन माइनस वन और इन टू डी और इजकल टू कितना है ये 84। क्लियर है, आगे देख जरा देखिएगा आप, आगे जरा देखेंगे ए, ए प्रथम पद इसका कितना है 7 है और प्लस एन माइनस वन, एन माइनस क्या है 1, तो एन तो नहीं है, एन निकालना पड़ेगा। ए जरा समझ में आ रहा है, सुनिए सुनिए सुनिए, यहाँ देखिए एन हमें अभी पता नहीं है तो एन रहने दीजिए, और डी सर्वांतर तो देखिए कितना निकाले हैं, सर्वांतर डी कितना है 7/2। क्लियर है, डी कितना है 7/2, तो यहाँ डी के जगह पे रख देंगे 7/2 और ये हो गया आपका 84। क्लियर है, अब ये 7 को उस तरफ भेज दीजिए मित्र, तो एन माइनस वन और गुने 7/2, इसे आप रहने दीजिए, एन माइनस वन 7/2, 7 को इस तरफ भेजेंगे ये देखिए 84 में से 7 को घटा दीजिए, घट गया 84 में से 7, एक प्लस में था तो इस तरफ आया तो क्या चीज में हुआ माइनस में हुआ। उसके बाद ये दोनों जब सब्ट्रैक्ट हो जाएगा मित्र, तो n माइनस वन और गुने 7/2 और 84 में से 7 जाएगा तो देख लीजिए कितना बचेगा, ए 84 में से क्या 7, तो 84 में से 7 जाएगा तो लगता है 77 बचेगा, देख लीजिए ठीक से 77 ही बचेगा। यहाँ पे आप जरा ध्यान दीजिए, 84 में 7 गया कितना 77, ये देखिए 7 से मित्र ये कट जाएगा उस तरफ और इस तरफ से कटता है आपको पता ही है, तो ये कटा तो अगर सतह कितना हो गया ये 77 हो गया, अगर सतह कितना हो गया 77 हो गया। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ एन माइनस वन बचा ये वाला, ये दो देखिए डिवाइड में भाग में है तो उधर मल्टीपल में जाएगा, तो ये देखिए 11 और ये उस तरफ गया तो गुना में हो गया 2। क्लियर है, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है सर, तो ये हो जाएगा 11 दूनी कितना मित्र 22 हो जाएगा 22। अब माइनस वन उस तरफ जाएगा तो प्लस वन हो जाएगा, इसलिए एन बराबर 22 और माइनस वन उस तरफ जाएगा तो प्लस वन, माइनस वन उस तरफ गया तो प्लस वन और 22 और ये कितना हो गया मित्र ये 23 हो गया, तो एन जो निकल गया मित्र वो 23 निकल गया, एन कितना निकल गया 23 निकल गया। अब हम ये फॉर्मूला या ये फॉर्मूला लगा देंगे तो मेरा ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसका सम निकल जाएगा, क्या निकलेगा सम, योग निकलेगा। तो जरा देखिए हम इस फॉर्मूला का इस्तेमाल कर रहे हैं, पहला वाला दोनों विधि से बनाएंगे, दोनों फॉर्मूला के इस्तेमाल करके आप देखिए, यहाँ यहाँ जरा आप देखिए, यहाँ आ जाइए, हम यहाँ पे आ जाइए, यहाँ लिख देते हैं हम देखिए फर्स्ट विधि, फर्स्ट मेथड, तो SN का फॉर्मूला लगाएंगे, हमको सम निकालना है, क्या निकालना है सम निकालना है, तो आप देखिएगा NY2 फॉर्मूला क्या होता है NY2 और ये हो जाएगा आपका 2A प्लस N माइनस वन और इन टू डी। क्लियर है, ये फॉर्मूला हो गया, ये क्या हो गया फॉर्मूला हो गया SN, तो n कितना निकाले हैं देख लीजिए, n है 23, क्या है 23, n देख लीजिए कितना है n इजकल टू 23 है, तो यहाँ n के जगह 23, मतलब 23 पदों का योग हमें क्या करना है मित्र निकालना है, कितना पदों का जी 23 पदों का, तो यहाँ देखिए n के जगह हम रखेंगे 23 और ये 2 हो गया, 23 बाई क्या हो गया 2 हो गया। क्लियर है, अब यहाँ देखिएगा 2 और ए ए ए ए, तो ए यहाँ पे देख लीजिए कहाँ है, ए यहाँ देखिएगा 7 है, ए कितना है 7, ये दिखा ए कितना है 7, तो ये हो गया आपका 7 प्लस एन माइनस वन, एन कितना है, तो एन अभी देखिए बताए थे एन कितना है 23 है, एन कितना है जी 23, तो ये हो गया आपका 23 माइनस वन और डी, तो डी देखिएगा यहाँ डी 7/2, डी देख लीजिए 7/2, डी कितना है 7/2 है, तो यहाँ लिख दिए हम 7/2। अब इसे हल करना है, सॉल्यूशन करना है, तो देखिए मित्र
23 बाई 2 और ये 7 दुनी 14, क्लियर है, ये 7 दुनी हो गया 14 और प्लस 23 में से एक गया तो ये 22 गुने 7 बटा 2, क्लियर। अब ये देखिए 2 से ये कट जाएगा, 11 दुनी कितना होगा मित्र, 22 हो गया, 11 दुनी 22 और ये देखिए 23 बटा 2 और ये 14 को लिख दिए और ये प्लस को भी लिखे, अगर सत्य कितना होता है मित्र, 77 होता है, क्लियर है। उसके बाद देखिए 23 बटा 2 और 77 और 14 को जोड़िए तो 7 और 4 कितना होता है, 11 होता है, 7 और 4 कितना होता है, 11 होता है, तो यहाँ हो गया 11 का 1, 7 4 11, 7 और 1 8 और 8 और 1 9, तो ये टोटल 91 आ गया, कितना आ गया मित्र, 91, तो ये गुना में है, ये क्या चीज में है, गुना में, तो 23 और 91 को गुना कर दीजिए आप, 23 को और 91 को जब गुना कीजिएगा मित्र, तो देखिए 23 और 91 को गुना कीजिएगा तो 3 का 3 हो जाएगा, 2 का 2, नौतिया 27 का 7, क्लियर है, नौतिया 27 का 7 और 9 दुनिया 18, 18 19 20 और 1 21 हो गया, यहाँ 3 7 2 9 और 1 1 और यहाँ 2 21 93 आ गया, तो यहाँ ज़रा ध्यान दीजिएगा, ऊपर 23 और 91 को ये गुना है यहाँ पे, जब 23 और 91 को गुना की तो 21 और 93 आया, 21 और 93 और बटा 2, तो देखिए 23 पदों का योग यही था, यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। इसे चाहे तो पूर्णांक में भी लिख सकते हैं, क्या चीज में मित्र, पूर्णांक में भी, 21 93 में 2 से भागा दीजिए, 21 93 में 2 से आप क्या दे दीजिए, भाग दे दीजिए, तो 2 से भाग दीजिएगा तो पहला बार में 2 लग गया, देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, टकटकी लगा के, यहाँ 2 ये कैंसिल, यहाँ 0, यहाँ 0 देना पड़ेगा 9, तो ये 9 दुनी कितना हो जाएगा, 18, 9 दुनी कितना हो जाएगा जी, 18, 18 होगा, तो यहाँ हो गया आपका कितना, 18 ही खत्म, 1 और 3 और यहाँ कितना हो गया मित्र, 6 दुनी 12, तो ये हो गया यहाँ पर और यहाँ बच गया 1, तो जब इसे पूर्णांक में लिखिएगा, क्या चीज़ में लिखेंगे, पूर्णांक में, तो यहाँ समझिए कैसे लिखेंगे, जब पूर्णांक में लिखेंगे तो एक तो ऊपर चल जाता है मित्र, ये जो वन है ये कहाँ चल गया, ऊपर, और ये चल गया उधर और ये चलाएगा इधर, 10 96 पहले लिखाएगा, 10 और 96, क्लियर है, 10 और 96, वन चला जाएगा ऊपर और ये 2 चलाएगा नीचे, तो ये भी आंसर इसका हो सकता है, तो दोनों में से कोई भी आंसर आप क्या कीजिए, लिख दीजिए, क्लियर है। अब आगे देखिए, ये फर्स्ट मेथड था, अब इसका हम सेकेंड मेथड कर देते हैं, जरा देखिएगा सेकेंड मेथड, ये थोड़ा इजी है, ये क्या है मित्र, इजी है, तो एस एन का ही फॉर्मूला लगाने वाले हैं हम लोग, एस एन का ही फॉर्मूला लगाएंगे, जरा ध्यान दीजिएगा, एस एन बराबर तो एन वाई टू और ए प्लस ए एन कर दीजिए, क्या कर दीजिए, ए एन, तो ये फॉर्मूला लगा लेंगे, तो इतना हम लोग का सॉल्यूशन, इतना हल हम लोग को करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। देखिए एन तो निकाल चुके थे, तो एन देखिए यहाँ कितना है, एन इजकल टू 23, एन कितना है, एन 23, तो यहाँ एन हम लिख देंगे 23, यहाँ भी एन लिख देंगे 23, यहाँ भी एन रखेंगे 23 बटा 2, ए मतलब प्रथम पद, प्रथम पद, प्रथम पद, तो प्रथम पद कितना है जरा ध्यान दीजिएगा, प्रथम पद 7 है, ए प्रथम पद कितना है मित्र, 7 है, तो यहाँ हो गया 7 प्लस एन, एन तो यहाँ से देखिए 84 है, एन कितना है, देखिए 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 84 है, तो यहाँ हम रख देंगे 84, क्लियर, आगे बढ़ें, तो बढ़ जाइए 23 बटा 2 और गुना 7 4 11 और 8 91, देखिए यही आ गया यहाँ पे, यही आया था मित्र मेरा 23 और 91, 23 गुने 91, ध्यान दे रहे हैं आप, 23 गुने क्या था, 91 था, तो 23 और 91 को जब गुना किए थे तो देख लीजिए क्या आया था, 23 और 91 को 21 93, तो 23 और 91 की जगह डायरेक्ट रख देंगे 21 और 93 और डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई क्या मित्र, 2 रखेंगे। अब ये आंसर आप छोड़ सकते हैं, जब इसे भागा दिए थे तो देखिए कितना आया था,
दस छियानवे पूर्णांक एक बटा दो, यही इसका क्या हो गया मित्र आंसर हो गया। क्या हो गया जी? आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि आपको बिल्कुल अच्छी तरीका से समझ में आया होगा, बिल्कुल अच्छी तरीका से। तो अब हम सेकेंड नंबर क्वेश्चन करेंगे। कौन सा मित्र? सेकेंड। पहले इसे थोड़ा नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ाते हैं। इसे आप क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए मिटाते हैं, अब अगला क्वेश्चन लिखेंगे। दूसरा नंबर कौन सा लिखेंगे मित्र? सेकेंड नंबर क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं हम, तो इसे मिटाते हैं। जरा देखिएगा, सेकेंड नंबर, दूसरा का दूसरा कौन सा चलेगा मित्र? दूसरा का दूसरा चलेगा, यही पैटर्न पे बनेगा जैसे ये क्वेश्चन बना है हम लोग को, ठीक उसी प्रकार बनाएंगे। तो आप बताइए ये दोनों मेथड में कौन मेथड आपको अच्छा लगा? तो वो देखिए थोड़ा छोटा है इसलिए वो अच्छा है। ये दोनों मेथड में कौन अच्छा लगा? तो वो वाला। तो उसी मेथड से अब हम ज़्यादा क्वेश्चन को करेंगे। तो सेकेंड नंबर देखिएगा, क्वेश्चन बहुत खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है। देखिए मित्र, -37, चलिए नोट कीजिए साथ में, -37 नहीं है, दूसरा क्वेश्चन हम देख लिए हैं, 34 + 32, चलिए लिखिए साथ में, आप लोग साथ में लिखेंगे, साथ में लिखेंगे, साथ में लिखते भी चलेंगे। तो ये है मेरा 34 + 32 + 30 + 33 + ……… कितना है मित्र? 10 है। प्लस क्या है? 10 है। तो इसका योग निकालना है, तो सबसे पहले वही मेथड लगाएंगे, सॉल्यूशन लिख दीजिए। क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन, सॉल्यूशन लिख दिए। उसके बाद प्रथम पद ए गिवेन लिख देंगे, दिया है, गिवेन मतलब मित्र दिया है। चलिए लिखिए साथ में, गिवेन लिखिए, साथ साथ में लिखना है, ज़्यादा अच्छा रहेगा, गिवेन। उसके बाद ए प्रथम पद फर्स्ट टर्म क्या है देखिए, प्रथम पद बताइए कितना है? 34। ए जरा ध्यान दीजिएगा, पहला कौन आया है? 34 है, तो प्रथम पद हुआ 34, हम लिख दिए 34। अब सर्वांतर निकालेंगे, डी क्या निकालेंगे? डी। तो चलिए डी बताइए, अब हमें क्या बताइए मित्र? डी क्या बताना है? डी। तो अगला पद माइनस पिछला पद, अगला है 32 और पिछला है 34, तो 32 - 34, 32 और माइनस क्या मित्र? 34। क्लियर है? अब इसे घटा दीजिए, अगला था 32 और पिछला था 34, तो 32 - 34। क्लियर? आगे देखिए, ये दोनों घटा दीजिएगा, घटाइए घटाइए घटाइए, तो 34 में से 32 जाएगा तो 2, और ये माइनस में, क्योंकि माइनस वाला क्या है मित्र? बड़ा है। इसे हम डिलीट कर देते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, डिलीट कर देते हैं इसे, इसे हम क्या करते हैं, डिलीट करते हैं, साथ में नोट करते चलना है। चलिए अब ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे, किसका लगाएंगे फॉर्मूला? ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, चूंकि ए एन, तो अंतिम टर्म से इसका कितना है? ए एन जो अंतिम पद है 10, तो वही ए एन हो गया ए एन। तो हमें सबसे पहले मित्र एन निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा? एन। तो यहाँ देखिएगा 10, ए एन हो गया 10, क्यों 10 लिए? अंतिम पद क्या है? तो 10 है, तो क्या हो गया? 10 हो गया। चलिए अब इसका फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पे, ए एन का फॉर्मूला बताइए, तो ए प्लस एन माइनस वन और इंटू डी, और बराबर क्या हो गया मित्र? 10 हो गया। क्लियर है? आपको दिख रहा है अच्छी तरीका से? चलिए यहाँ देखिए, ए ए प्रथम पद क्या है मित्र? देखिए यहाँ 34 - 34 है, तो यहाँ हम लिख देंगे कितना? 34 प्लस एन माइनस वन, एन तो निकालना है, एन क्या करना है? निकालना है,
एन माइनस वन। डी सर्वांतर, यहाँ देखिए डी निकला है मेरा माइनस टू। ए डी कितना निकला, माइनस टू निकला, तो डी के जगह रख दिए माइनस टू और इजिकल टू कितना हो गया, दस हो गया। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ाते हैं। ये चौंतीस इस तरफ आएगा तो माइनस में होगा। पहले ये टर्म पूरे लिख दीजिए, एन माइनस वन और गुना माइनस टू, दिख रहा है आपको, ये दस और ये चौंतीस इस तरफ आएगा तो माइनस चौंतीस हो जाएगा। क्लियर है ये? उसके बाद मित्र इसे पूरी अच्छी तरीका से लिख दीजिए, एन माइनस वन गुने माइनस टू। माइनस को आप आगे भी लिख सकते हैं लेकिन हम रहने दिए हैं। देखिए मित्र, ये चौंतीस में से दस जाएगा तो चौबीस बचेगा, ये क्लियर है, लेकिन माइनस में, क्योंकि चौंतीस बड़ा है तो ये माइनस में, तो ये देखिए इधर भी माइनस और इधर भी माइनस, तो माइनस माइनस कटा और दो से ये भी कटा, कितना टाइम्स में, बारह बार में, बारह टाइम्स में कट गया। ध्यान दीजिए, समझने वाली बात है। यहाँ देखिए एन माइनस वन बराबर इधर बचा बारह, क्या बचा मित्र, बारह, इसलिए एन इजकल टू बारह और माइनस वन इस तरफ आएगा तो प्लस वन, तो ये हो जाएगा प्लस वन, तो ये हो गया बारह और एक कितना, तेरह, बारह और एक कितना हो गया, तेरह। तो एन तो निकल गया मेरा, एन क्या हो गया, निकल गया। अब हम लोग निकालेंगे क्या मित्र, एस एन, एस एन, तो एस एन का फॉर्मूला जानते हैं आप, एस एन का फॉर्मूला आप जानते हैं, तेरह पद है इसमें टोटल मित्र, तो तेरह पदों का योग निकालना है। एन जो निकाले, ये क्या निकाले, पदों की संख्या, मतलब हमें ये पता चल गया कि इस एपी में कुल तेरह पद है, कितना टर्म्स है, तेरह, और तेरह को योग निकालना है, तेरह को क्या करना है, जोड़ना है। तो एस एन बराबर, अब देखिए डायरेक्ट हम यही फॉर्मूला लगाएंगे, ये छोटा है, हम आपको दो मेथड से पीछे पीछे वाला क्वेश्चन बताएं, तो ये थोड़ा छोटा है इसलिए छोटकी को पकड़ते हैं, किसको पकड़ेंगे, छोटकी को। तो एस एन बराबर एन वाई टू और ए प्लस ए एन, यही फॉर्मूला का देखिए मित्र हम इस्तेमाल करने वाले, कर लें तो कर लीजिए सर। चलिए एस एन के जगह पे मित्र तेरह, एन दिखा तो यहाँ रख देंगे हम लोग तेरह, एन के जगह पे यहाँ भी तेरह मित्र। चलिए आगे हल करते हैं, ए ए का मान रख दीजिए, ए देखिए कितना है, चौंतीस, चौंतीस रखते हैं, चौंतीस प्लस ए एन, ए एन ए एन ए एन ए एन दस है, ए एन दिखा आपको कितना है, दस है, तो ये हो जाएगा अपना दस। इसे हल करना है अब सिर्फ, तेरह बाई दो और गुना, बीच में यहाँ गुना ही है, चौंतीस और दस, चौंतीस और दस मित्र ये हो जाएगा आपका चौवालीस, और ये दो से कट जाएगा, ये क्लियर है, यहाँ क्लियर है, आगे बढ़ें उसके बाद। तो ये कट गया तो यहाँ कितना हो गया, तो ये बाईस दुनी चौवालीस, तो यहाँ बचा तेरह और गुने कितना मित्र, बाईस, तो इसको गुना करना है, तेरह को बाईस से गुना कर दीजिए, तो तीन दुनी छः, तीन दुनी देखिए छः और यहाँ दो का दो, तीन दुनी छः और दो का दो, छः आठ और दो, तो यहाँ मित्र आ गया मेरा आंसर 246, यही मेरा खूबसूरत क्या हो गया आंसर। मतलब इसमें टोटल देखिए इस एपी में तेरह पद है और तेरह को जब जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा 286, यही आंसर हो गया। दूसरा के बाद हम लोग अब करेंगे मित्र तीसरा नंबर, ये नोट कर लीजिए, पहले आप लोग क्या करना है, नोट करना है, गड़बड़ाइएगा नहीं, तो अच्छी तरीका से आप नोट कीजिए, हम अगला क्वेश्चन पे नज़र क्या करते हैं, डालते हैं। तो दूसरा का यहाँ हम मित्र आपको तीसरा लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं जी, तीसरा, देखिए क्या है, माइनस फाइव प्लस माइनस एट, साथ में नोट भी करते चलेंगे, साथ में नोट भी करते चलेंगे, जल्दी कीजिएगा। माइनस फाइव क्या लिखें हम, माइनस फाइव माइनस एट और माइनस ग्यारह, चलिए जल्दी करेंगे, और प्लस डॉट 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 प्लस माइनस 230, और ये हमें जोड़ना है मित्र, क्या करना है, जोड़ना है,
तो ज़रा ध्यान दीजिए, इसे जोड़ना है तो सबसे पहले इसमें सब कुछ हम लिख लेंगे, सब कुछ क्या करेंगे लिखेंगे। तो सबसे पहले सॉल्यूशन हल करेंगे मित्र, क्या करेंगे हल करेंगे। तो गिवेन लिखते हैं, क्या लिखेंगे गिवेन, दिया हुआ है, ए क्या दिया हुआ है। तो चलिए गिवेन में चलते हैं, सबसे पहले हम लोग गिवेन दिया है, प्रथम पद बताइए क्या है इसका, जो पहली बार आएगा मित्र वो प्रथम पद हुआ, जो पहली बार आएगा वो क्या हो जाएगा प्रथम पद। ए चेचिस जरा तगड़ा कर लीजिए, चेचिस क्या कर लीजिए तगड़ा कर लीजिए। तो यहाँ देखिएगा प्रथम पद माइनस फाइव, क्लियर है, पहली बार आया माइनस फाइव, तो ये हो गया क्या प्रथम पद। अब डी निकालेंगे, क्या निकालेंगे डी निकालेंगे, डी मतलब सर्वांतर, अगला पद माइनस पिछला पद, अगला पद माइनस पिछला पद। तो अगला है माइनस आठ और पिछला है माइनस पाँच, जरा ध्यान दीजिएगा, आज अगर नहीं सीखिएगा तो गड़बड़ा जाइएगा। अगला है माइनस आठ और पिछला है माइनस फाइव, अगला माइनस और पिछला, क्लियर है। आगे जरा देखिए, ये माइनस क्यों दिए, क्योंकि माइनस पाँच है और ये माइनस फॉर्मूला वाला है, सही बात की गलत बात, माइनस माइनस प्लस आठ, माइनस माइनस प्लस, और ये हो गया आपका पाँच हो गया, क्या हो गया पाँच हो गया। आगे बढ़े, तो ये माइनस आठ में से अगर पाँच जाए तो कितना बचेगा, तो माइनस बच जाएगा आपका थ्री, क्या बचेगा मित्र माइनस थ्री। अब एन भी हमें नहीं है तो एन निकालना पड़ेगा। देखिए जो काम इस क्वेश्चन में किए टोटल काम इस क्वेश्चन में भी हमें करना है, क्लियर। इसमें ए लिखें डी लिखें एन नहीं था, ए लिखें डी लिखें एन नहीं था, उसके बाद एन है तो इसमें भी एन है, अंतिम पद जो होता है वो एन होता है। तो देखिए मित्र, चूंकि एन बराबर ए ए ए, कहाँ ध्यान है कहाँ ध्यान है, यहाँ देखिए एन अंतिम पद माइनस 230 है, नजर आया अंतिम पद, देख लीजिए टकटकी लगाकर माइनस 230 है। तो यहाँ देखिए ए प्लस एन माइनस वन और इंटू क्या है डी, एन का तो फॉर्मूला यही होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और ये हो गया माइनस 230, क्लियर है। आगे बढ़ा दें, आगे बढ़ा दें तो बढ़ा दीजिए सर। तो ए के जगह पर क्या रखिएगा, ए ए के जगह क्या रखिएगा, देखिए माइनस पाँच, ए के जगह माइनस पाँच, तो ये हो गया माइनस पाँच। एन एन तो नहीं है, एन निकालना है तो चलिए एन माइनस वन, और डी मित्र डी देखिए क्या है, डी 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 तो डी है माइनस थ्री, तो यहाँ हो गया डी के जगह पे माइनस थ्री, और माइनस 200 क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो यहाँ देखिएगा ये पूरे टर्म पहले क्या कीजिए लिख दीजिए, तो n माइनस वन और गुने माइनस थ्री और ये माइनस 230, ये माइनस से उस तरफ जाएगा तो प्लस में होना चाहिए, माइनस से उस तरफ जाएगा तो प्लस फाइव, माइनस पाँच उस तरफ गया तो प्लस पाँच हो गया। आगे देखिएगा n माइनस वन और गुने माइनस थ्री और ये दोनों को घटा दीजिए, 230 को पाँच में घटाइएगा तो माइनस 225 बचेगा, जाहिर सी बात है माइनस माइनस ये कट जाएगा मित्र, माइनस माइनस क्या होगा कट जाएगा, क्लियर है। आगे बढ़वे तो देखिए एन माइनस वन ये गुना है तो ये एन माइनस वन यहाँ लिख दिए, एन माइनस वन यहाँ देखिए 225 बच गया, कितना बच गया मित्र 225, और तीन को नीचे भागा कर दिए, ये गुना में तीन है तो ये क्या चीज में आ गया भाग में आ गया। जरा ध्यान दीजिएगा n माइनस वन को लिखें, 225 को लिखें, तीन को नीचे कर दिए गुना से डिवाइड में आ गया, तो ये देखिए तीन से कट जाएगा मित्र, तीन से क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो ये कटेगा 7 × 21 और 3 × 5 = 15, ये 75 बार में पूरा क्या हो गया कट हो गया। यहाँ देखिएगा n माइनस वन, n माइनस वन n बराबर देखिएगा 75 है, n बराबर कितना है मित्र 75, ये देखिए 75, ये माइनस वन उस तरफ जाएगा तो प्लस वन होगा, माइनस वन उस तरफ गया तो
तो ये हो जाएगा आपका प्लस वन, तो 75 और एक कितना हो जाएगा मित्र 76, इसलिए n बराबर 75 और एक कितना आ गया 76। तो देखिए n मेरा निकल गया कितना 76 निकल गया, n कितना निकल गया है 76 निकल गया है। अब आगे बढ़ें क्या, तो ये n निकल गया मेरा 76, तो अब हम निकाल देंगे क्या sn, क्या निकाल देंगे sn, इसे मिटा रहे हैं, इसे हम क्या कर देते हैं मित्र मिटा देते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। sn का फॉर्मूला, sn का फॉर्मूला एन वाई टू इंटू ए प्लस ए एन, ये भी फॉर्मूला आप क्या कर सकते हैं लगा सकते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। अब आप खुद भी कर सकते हैं एस एन के फॉर्मूला लगाइए और आगे बढ़ाइए, एस एन का फॉर्मूला लगाइए और आगे बढ़ाइए। तो जरा आप क्या कीजिए, देखिए एस एन का फॉर्मूला हम लगा रहे हैं, किसका लगा रहे हैं एस एन का, ये देखिए एस एन इज इक्वल टू, एस एन इज इक्वल टू क्या जी एस एन, तो एस एन जो हो गया एन वाई टू और ए प्लस ए एन, ए प्लस क्या हो गया मित्र ए एन हो गया, क्लियर है आपका ए एन। तो बताइए एन कितना निकाले हैं हम लोग, तो एन देखिएगा 76 निकालें, एन कितना निकाले हैं 76, तो ये एन हो गया मेरा कितना मित्र 76 हो गया। उसके बाद एन के जगह हम लोग रख देंगे 76, यहाँ भी हम 76 रख दिए हैं। अब बाई टू हो गया, ए क्या है यहाँ पे ए, तो ए रख दीजिए यहाँ पे, ए प्रथम पद था तो ए देखिए यहाँ माइनस फाइव है, क्या है जी माइनस फाइव, तो यहाँ हम रख देंगे माइनस पाँच। और प्लस एन, एन अंतिम पद था माइनस 230, देख लीजिए माइनस 230, तो यहाँ हम रख दिए माइनस 230, क्लियर है। दो से देखिए कट जाएगा मित्र ये 38 बार में, दो से 38 बार में ये कट जाएगा और ये हो गया गुना माइनस 230 और माइनस पाँच, तो माइनस 235, क्योंकि माइनस वाला दोनों में जुट जाएगा, ये माइनस और ये माइनस दोनों जुट जाएगा, तो 230 और 535 माइनस हो जाएगा 235, तो ये हो गया माइनस मित्र, क्या हो गया माइनस, और इसे गुना कर देंगे 235 को 38 से हम लोग गुना करेंगे तो देखिए कितना आ रहा है, आप भी गुना कीजिए 8 पचे 40 का 0, 8 तिया 24, 24 और 4 कितना होता है 28 का 8, 8 दुनी 16 और 16 और 2 हो गया 18, यहाँ देखिए 5 तिया 15 का 5, 3 तिया 9 और 1 10, 3 दुनी 6, 6 और 1 कितना हो गया मित्र 7 हो गया, यहाँ 0, 8 और 5, 8 5 13 होता है, तो 13 का 3, 8 और 1 9, 7 1 8, 8 हो गया यहाँ पे 8930, यहाँ देखिएगा 89 और 30, यही मेरा क्या हो गया मित्र आंसर हो गया 8930, क्लियर है, आगे बढ़ा दें। तो ये हो गया मेरा तीसरा नंबर क्वेश्चन, कौन सा हुआ तीसरा नंबर। अब हम लोग करेंगे फोर्थ नंबर, इसका चौथा नंबर मित्र, सॉरी तीसरे तक था इसमें, दो का तीन ही क्वेश्चन था तो तीन हम लोग कर लिए, अब क्वेश्चन नंबर तीसरा स्टार्ट करते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर तीसरा। एक एपी में क्या क्या दिया हुआ है, देखिए मित्र ए दिया हुआ है, ए बराबर 5 है, तीसरा का फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, ए बराबर 5, डी बराबर 3, डी बराबर 3 और एन बराबर 50, एन बराबर 50 दिया है, एन बराबर 50 दिया है, एन और एस एन निकालना है मित्र, एन और एस एन हमको क्या करना है निकालना है, जरा ध्यान दीजिए एन और एस एन दोनों अपन लोग को क्या करना है निकालना है, ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए। ए कितना है 5, डी है 3,
एन 50 है तो एन और एस एन हम लोग को क्या करना है, निकालना है। क्या करना है, एन और एस एन। तो सबसे पहले देखें मित्र, जब सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन मतलब हल, सॉल्यूशन मतलब क्या, हल होता है। तो सबसे पहले जो चीज दिया हुआ रहता है उसे लिखते हैं, गिवेन, गिवेन मतलब दिया है। तो देखिए मित्र, ए को लिख दीजिए 5, ए 5 है, डी देखिए 3 है, और एन देखिए 5 है, एन और एस एन हम लोग को क्या करना है मित्र, निकालना है। एन और एस एन हम लोग को क्या करना है, निकालना है। तो यहाँ देखिएगा, चूंकि एन बराबर, क्या बोल रहे हैं हम, एन, तो एन का फॉर्म, एन देखिए दिया हुआ है कितना मित्र, 5, जरा ध्यान, सॉरी एन 50 है, तो एन यहाँ लिख देंगे हम लोग कितना, 50। एन कितना लिखेंगे जी, 50 लिखेंगे। एन क्या लिखेंगे, 50 लिखेंगे। तो ये हो गया अपन लोग के 50 हो गया। अब देखिए एन का फॉर्मूला लगा देंगे, किसका फॉर्मूला लगाएंगे, एन का। तो एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 और इंटू डी और बराबर क्या मित्र, 50। क्लियर है। अब ए के जगह पे ए रखेंगे, ए तो देखिए दिया हुआ है 5, ए 5 है तो ए के जगह 5 रखिए, प्लस एन निकालना है माइनस 1 इंटू डी। तो डी देखिए मित्र कितना है, 3 है, ए डी कितना है, 3 है, तो ये देखिए 3 और बराबर क्या है, 50। क्लियर। अब आगे जरा आप क्या कीजिए, देखिए एन माइनस 1 और गुने 3 और ये है आपका 50, ये 5 उस तरफ जाएगा तो माइनस क्या, 5। ये क्लियर है। अब इसे हम मिटा देते हैं इस तरफ का, उसके बाद हम हल करेंगे। इसे हल करते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, तो जरा ध्यान दीजिए मित्र, ये 50 में से 5 जाएगा तो आपको पता होना चाहिए कि कितना बचेगा। n माइनस 1 गुने 3, n माइनस 1 और गुने 3 और ये 50 में से 5 गया तो 45 बचेगा, ये हो गया आपका 45। 50 में से 5 गया 45 और यहाँ गुना 3 है तो ये 3 और ये इधर हो गया 15 या कितना, 45। इसलिए n इक्वल टू 15, ये 15 और माइनस से उस तरफ गया तो प्लस 1, तो 15 ये कितना हो गया, 16 हो गया। 15 ये कितना हो गया मित्र, 16 हो गया। 15 ये क्या हो गया जी, 16, 16। अब तो ये n निकल गया, एक n देखिए हमें निकालना था तो n निकल गया। अब हम लोग को sn निकालना है, तो चूंकि एस एन बराबर, एक आंसर यहाँ लिख दीजिए, ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। अब एस एन तो एन वाई टू और ए प्लस एन, ऐसा फॉर्मूला हम बताएं एस एन एन वाई टू ए प्लस एन, एन का मान रख दीजिए, एन कितना निकालें हम लोग, 16, 16, तो ये 16/2 और ए, ए देख लीजिए मित्र इसमें कितना दिया हुआ है, ए देखिए यहाँ पे 5 है, क्या है जी, 5, और एन 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 भी दिया हुआ है तो एन आप देख सकते हैं 50 है, एन क्या है, 50, तो यहाँ रख देंगे हम लोग 50। क्लियर है। तो ये 2 से कितना बार में कटेगा बताइए, 16, 8 बार में, 2 से 8 बार में 16 कट जाएगा, गुना 50 और 5 कितना होगा मित्र, 55 हो जाएगा, इसे गुना करके लिख दीजिए आंसर हो जाएगा, 8 × 5 = 40 का 0, 8 × 5 = 40 और 4 = 44, तो 440 यही इसका क्या हो गया, आंसर आ गया। तो देखिए मित्र, एक एन निकालना था तो एन आ गया मेरा 16 और एक एस एन निकालना था तो एस एन आ गया 400 कितना, 44, तो ये मेरा क्या हो गया मित्र, एस एन, इसलिए एस एन इजकल टू 440। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अब अगला क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन मित्र, अगला क्वेश्चन ये था 3 के पहला, अब देखिए 3 का दूसरा, 3 का क्या देखिए, दूसरा नंबर, नोट करते चलेंगे साथ में तो मज़ा आ जाएगा। 3 का दूसरा, ए बराबर, डायरेक्ट सॉल्यूशन देखिए हम करते हैं, सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, गिवेन, जो जो चीज दिया हुआ है,
जो जो दिया हुआ है उसे नोट कर लेंगे गिवेन। तो ए इजकल टू देखिए सेवन है, ए इजकल टू कितना है सेवन। देखिए मित्र ए तेरह दिया हुआ है आपका पैंतीस है शायद, ए तेरह है कितना पैंतीस। उसके बाद डी निकालना है हमें, डी देखिए निकालना है और एस तेरह निकालना है। पहले आप समझिए, पहले आप क्या कीजिए मित्र समझिए अच्छी तरीका से। क्वेश्चन में ए दिया हुआ है और ए तेरह दिया हुआ है पैंतीस, मतलब तेरहवां पद, ए तेरह मतलब तेरहवां पद, एन यहां देखिए तेरह है, तेरहवां पद कितना है पैंतीस है, तेरहवां पद कितना है मित्र पैंतीस। तो डी निकालना है सर्वांतर और एस तेरह मतलब तेरह पदों का योग निकालना है, तेरह पदों का क्या निकालना है योग निकालना है। तो सबसे पहले देखिए इसका प्रयोग करेंगे हम लोग, इसका और डी निकाल लेंगे। देखिए तो कैसे, चूंकि ए तेरह बराबर पैंतीस, क्लियर है ए तेरह बराबर कितना पैंतीस, ये कर दीजिएगा। ए तेरह का फॉर्मूला लगा दीजिए, मतलब ए एन का, ए एन का फॉर्मूला, तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, क्लियर है ए प्लस एन माइनस वन इंटू क्या हो गया मित्र डी हो गया और ये हो गया आपका पैंतीस, क्लियर। अब देखिए ए मतलब होता है प्रथम पद मित्र, तो देखिए यहाँ प्रथम पद कितना है सेवन है, क्या है जी सेवन, तो यहाँ रख दिए सेवन प्लस एन, एन देखिए रियल में ये होता है एन तेरह है कि नहीं है, तो ये रख देंगे हम लोग तेरह माइनस वन, ये जो है ये एन है तो एन के जगह तेरह और गुने डी, डी तो निकालना है मित्र और ये हो गया पैंतीस, यहाँ इसे रहने दीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे हल करेंगे, क्या करेंगे हल करेंगे, तो पहले इसे डिलीट कर देते हैं, इसे हम मिटा देते हैं, इसे क्या करते हैं मित्र डिलीट कर देते हैं। साथ में नोट करते चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, साथ में क्या करना है नोट भी करते चलना है। चलिए क्लियर है, तो यहाँ देखिएगा सात उस तरफ जाएगा, ये जो सात दिख रहा है आपको किस तरफ जाएगा उस तरफ जाएगा, तो कर दें तो ये तेरह में से एक जाएगा, तो मित्र तेरह में से एक गया, ए तेरह में से एक गया तो कितना बचेगा, तो तेरह में से एक गया तो बारह बचेगा। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं, यहाँ देखिए तेरह में से एक गया तो बारह और ये हो गया डी, डी हो गया, तेरह में से एक गया तो बारह डी और ये पैंतीस, तो यहाँ हम लिख दिए कितना मित्र पैंतीस और माइनस, ये देखिए सात उस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस सेवन। अच्छा से समझिए, अच्छा से क्या कीजिए समझिए, तेरह में से एक गया तो बारह हुआ डी, पैंतीस में से उस तरफ जाएगा तो माइनस सात हुआ, तो पैंतीस में से पाँच सात जाएगा तो ये होता है कितना अट्ठाईस, कितना होता है मित्र अट्ठाईस, इसलिए डी इक्वल टू जब निकालेंगे तो अट्ठाईस बटा आ जाएगा बारह। ये अब ये देखिए कटेगा दो बार में, ये गुना से भाग में आ गया, देखिए 28 लिखें 12 गुना में था, 12 क्या चीज़ में था मित्र गुना में था, तो हम लोग क्या चीज़ में कर दिए जी भाग में कर दिए, क्या चीज़ में कर दिए भाग में, तो ये गुना से 12 आ गया भाग में, क्लियर है यहाँ। तो ये देखिए 14 बार में कटेगा और ये तीन चौक 12 और सत चौक 28, तीन चौक 12 और ये सत चौक 28, तो ये सात बटा कितना आ गया मित्र तीन, डी जो निकला मेरा इसलिए डी बराबर सात बटा तीन, ये पहला मेरा क्या डी निकालना था, देख लीजिए डी निकालना था, तो डी मेरा कितना आ गया सात बटा तीन, ये मेरा क्या हो गया आंसर, क्लियर है आगे बढ़ा दें आप। तो अब निकालना है एस तेरह, देख लीजिए एस तेरह, तेरह पदों का योग, क्या निकालना है तेरह पदों का योग, तो तेरह पदों का योग निकालेंगे, तो चूंकि एस तेरह इजकल टू ध्यान दीजिएगा एन वाई टू और ए प्लस ए तेरह, मतलब तेरह तेरहवां पद तक रखेंगे आंसर मेरा आ जाएगा, ये फॉर्मूला है।
एन वाई टू, एन तो देखिए 13 दिया हुआ ही, एन कितना है 13, तो ये हो गया 13/2। ए प्रथम पद, तो ए तो प्रथम पद 7 है, देख लीजिए कितना है 7, तो यहाँ रख दिए 7 प्लस ए 13। ए 13 देखिए क्वेश्चन में ही 35 दिया हुआ है, देख लीजिए कितना है 35, तो यहाँ भी हम रख देंगे कितना मित्र 35 रख देंगे, हो गया। अब 13/2 और गुने 35 और 7 को जोड़िए, तो ये हो गया 42, ये क्या हो गया 42, और ये कट जाएगा 21 × 42, और ये 13 गुने क्या हो गया 21, 13 × 21, तो ये 13 और 21 को गुना करेंगे, 13 और 21 को गुना करेंगे, 3 × 3 और 1 × 1, 3 × 2 6 और 2 × 2, तो 3 × 6 = 7 और यहाँ 2, तो ये हो गया 273, ये कितना हो गया मित्र 273, क्लियर है। तो ये एस 13 आपका निकल चुका है, इसलिए एस 13 = 273, तो ये मेरा दोनों आंसर हो गया। पहला था डी सर्वांतर निकालना, तो डी देखिए मेरा आ गया 7/3, और दूसरा था एस 13 निकालना, तो एस 13 मतलब 13 पदों का योग, तो 13 पदों का योग आया कितना 273, क्लियर है, क्लियर है। तो आज का सेवा मित्र यहीं तक रखते हैं, आज का सेवा यहीं तक रखते हैं, अगला क्लास में आगे बढ़ाएंगे हम लोग, तब तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत शुभकामना, नोट अच्छी तरीका से आप कर लीजिए।